हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। खानपुर विधानसभा के नगला इमरती गांव में चुनाव अधिकारियों ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। वहीं चुनाव अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र के रास्ते में जल भराव पाया, जिससे मिट्टी और ईंटों से भरकर रास्ते को चलने लायक बनाया। दरअसल जिले में लगातार बारिश होने के कारण मतदान केंद्र के रास्ते में जल जमाव हो गया था। नगला इमरती गांव के पंचायत घर और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं शनिवार को चुनाव से संबंधित अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, बीडीओ सहित कई अधिकारियों ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। 26 सितंबर को मतदान होगा, वहीं 28 सितंबर को मतों की गिनती की जाएगी। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। चुनाव व्यवस्था पूरी चल रही है, पूरी मशीनरी लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी पूरी लगी है। यहाँ पे 4 बूथ हमारे बने हुए हैं। थोड़ा पानी की रास्ता थोड़ा सा सकरा है, तो वहाँ के लिए भी रास्ता बन रहा है, टेम्परेरी रास्ते का निर्माण हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ।